हाय दोस्तों, मेरा नाम है निखिल जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कुछ तो करिए। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं DVI केबल। जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जिस वीडियो में मुझे कंप्यूटर में कुछ इश्यू हो रहा था तो मैंने DVI केबल ऑर्डर कर दिया था, जस्ट बिकॉज मेरा पहले जो केबल मैं यूज कर रहा था वो VGA था और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें ग्राफिक कार्ड का इश्यू था। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आई बटन में दे दूंगा। ये मैंने अमेजोन से बाय किया, इसको अनबॉक्स करूंगा, इसका लिंक दूंगा और मैं बताऊंगा कुछ चीजें जो DVI क्यों बाय करना चाहिए और DVI और VGA में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर मेरे चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्स करते टाइम मैं आपको बता देता हूं, DVI केबल मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में जो इश्यू हुआ था वो सॉल्व करने के लिए, और मेरे इसमें जो डिस्प्ले है उसमें DVI भी सपोर्ट करता है और VGA सपोर्ट नहीं करता, और मेरा ग्राफिक कार्ड जो है उसमें सिर्फ DVI, मतलब मेरा मदरबोर्ड था, सॉरी मदरबोर्ड में DVI था, VGA नहीं था। तो ये मैंने Amazon से बाय किया और Amazon बेसिक का प्रोडक्ट है, मैंने 499 में बाय किया है और मेरे लोकल शॉप में भी 499 ही प्राइस था, बल्कि वो मुझे ज्यादा फास्ट मिलता था। बट एक प्रॉब्लम थी, लोकल शॉप वाले वारंटी नहीं दे रहे थे। इसमें 1 ईयर की वारंटी है जो काफी अच्छी बात है और केबल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये लगभग 2 मीटर का है, 6.5 फीट का है और मुझे देख के भी काफी अच्छा लगा और ये मैं यूज कर चुका हूं। ये आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने पैक किया था, करीबन 2 दिन हो गए। VGA और DVI का मैं डिफरेंस वाला वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि दोनों में कितना फर्क है। और DVI बेसिकली अगर आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास 3 ग्राफिक कार्ड्स है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरा लास्ट वीडियो में जो बताया था जो ग्राफिक कार्ड खराब हो गया, ये ग्राफिक कार्ड का मैंने ये चेंज किया है, ये आप देख सकते हैं। VGA था इसमें बट मैंने ये निकाल दिया है जस्ट बिकॉज मैंने दूसरे वाले में जो मेरे फ्रेंड से मंगाया उसमें कनेक्ट करना था, उसमें VGA नहीं था इसलिए ये उसमें कनेक्ट किया था। और इसमें भी DVI केबल था बट मेरे पास DVI अब भी जस्ट आया है तो मैं टेस्ट भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने बोला कि मैं ले लेता हूं। और मैंने ये भी नोटिस किया कि मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड में, ये देखो, ये एनवीडिया का कॉर्डा का FX 580 है, तो इसमें भी DVI है, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें भी DVI सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको और एक दिखाता हूं सेम मॉडल का FX 1800, ये मैंने डाला मेरे कंप्यूटर में बट ये सपोर्ट नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से सपोर्ट किया था बट ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया था इसलिए ये मतलब उसमें दिखा नहीं रहा था। तो ये दो तीनों ग्राफिक कार्ड में मेन तो DVI का सपोर्ट था, तो DVI केबल लेना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है मेरे हिसाब से। VGA केबल अच्छे होते हैं, नो डाउट, जो VGA केबल थे ये ब्लू कलर के होते हैं यूजुअली, अगर आप इनका जो इनपुट पोर्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा DVI व्हाइट कलर का जो है वो DVI है। और ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं मस्त गोल्ड प्लेटेड है और पीछे के जो ग्रिप्स है वो काफी अच्छे है, इसमें गोल है और इसमें गोल है बट ऊपर से पॉइंटेड है तो काफी अच्छे है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको यूज करने पे क्या डिफरेंस दिख रहा है डिस्प्ले में। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे CP के सारे कॉन्फिगरेशन के जो लास्ट वीडियो में मैं लिंक दिया नहीं, दे नहीं पाया, इस वीडियो में दे दूंगा कि मेरा CP में क्या क्या चीज इनपुट है, उन सबका लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही था इस वाली वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट काफी मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।